हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कवि सिंपल ग्रीन गार्डन चैनल पर। और बहुत ही बढ़िया मौसम है, सुहावना मौसम है प्रयागराज में। मानसून आने की दस्तक हो रही है और इसी मानसून में अभी थोड़ा मौसम अब थोड़ा सा सही हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो आपको हम अपनी छोटी सी प्लांट शॉपिंग के बारे में एक वीडियो शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फुटबॉल लिली का पौधा है। हालांकि आप देख रहे होंगे इसका हल्का सा कलर भी फेड है, हल्का, क्योंकि ये थोड़ा सा धूप में रखा हुआ है, इसकी वजह से इसका जो कलर है हल्का सा कम शाइन कर रहा है। तो फ्रेंड्स, प्रकृति की सुंदरता का तो कोई तोड़ नहीं है, और जितना सुकून आपको प्रकृति के पास मिलता है उतना सुकून आप कहीं भी नहीं पा सकते हैं। थोड़ी सी प्रकृति को आप अपने घर में भी समेट सकते हैं, पौधे लगाएं और घर का वातावरण शुद्ध बनाएं। तो चलिए, देर नहीं करते, अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि हमने कौन से प्लांट लिए हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला पौधा सिंगोनियम का है। ये वाला कलर हमारे पास नहीं था। ये भी बहुत ही अच्छा पौधा होता है फ्रेंड्स, अगर इसको एक बार अपने घर में आप ऐड करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी मल्टीपल हो जाता है और आप इसको रिपोर्ट दूसरे गमले में भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा कलरफुल प्लांट होता है, आप इसको सेमी इंडोर में या इनडोर में रख सकते हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है। और ये है पीली रातरानी का पौधा, और ये प्लांट हमें फ्री में मिला है, भैया ने दिया था। उन्होंने बोला था कि आप हमेशा प्लांट लेके जाते हो तो एक प्लांट हमारी तरफ से भी छोटा सा लेके जाएं, तो उन्होंने एक छोटा सा प्लांट दिया है पीली रातरानी का। और अभी इसमें फ्लावरिंग्स तो नहीं हो रही है, अभी ये बहुत ही छोटा सा पौधा है, तो इसको अभी हम गमले में लगाएंगे और इसका फूल आने का वेट करेंगे। और ये भी बहुत ही खुशबूदार पौधा होता है फ्रेंड्स, और गुच्छों में फ्लावरिंग करता है, और आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी रखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करने वाला पौधा होता है ये। हमारा नेक्स्ट पौधा है ये ऑरेंज टिकोमा का, और इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, और कल इसमें एक फ्लावर खिला था जब हम नर्सरी से लेकर आए थे। हालांकि इसके सारे फ्लावर्स जो है फेड हो चुके हैं, गिर चुके हैं, अब इसमें फिर से नई फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। और ये भी गर्मियों का बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है, और इसको भी आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। तो इसको भी अगर आपके यहाँ नहीं है, आपके नर्सरी में मिलता है, तो इसको भी आप समर के पौधों में ऐड कर सकते हैं, और ये इजीली लग जाने वाला पौधा होता है। और ये है हमारा वेरीगेटेड अलमंडा का पौधा, और ये पौधा फ्रेंड्स बहुत कम नर्सरियों में देखने को मिलता है, और इसकी वेरीगेशन देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर है। और इसको हमने देखा तो ये एक ही पौधा वहाँ रखा हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो हमें लगा कोई ऐसे ही इंडोर प्लांट होगा, लेकिन जब भैया ने बताया ये अलमांडा क्रीपर वाइन है तो हमने कहा इसको ले लेते हैं। अभी हमारे यहाँ अलमांडा के 4 से 5 प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन इसकी वेरीगेशन इतनी सुंदर लग रही थी फ्रेंड, इसको हमने लेना उचित समझा। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, काफ़ी बड़ा पौधा भी है ये फ्रेंड्स। सिंगोनियम हमें ये 50 रुपीज़ का मिला है, और अलमांडा हमें 150 रुपये का मिला है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जिन पे आप पैसा लगाते हैं तो आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता है, और क्योंकि उनकी खूबसूरती के आगे उन पैसों की कोई कीमत नहीं होती है। आपको ऐसे पौधे जो बहुत ही कम दिखते हो तो उन प्लांट्स को लेना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आप नर्सरी जाते हैं, वो पौधा एक ही बार आपको दिखेगा, दोबारा आप जब घर आते हो तो बहुत अफसोस होता है कि हमने उस पौधे को क्यों नहीं लिया। तो कुछ अलग से प्लांट्स दिखते हैं तो उनको लेने की कोशिश करें, और बार्गेनिंग करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। और ये जो ऑरेंज टिकोमा का फ्लावर है, ये फ्रेंड्स हमें मिला था 120 रुपये का, काफ़ी बड़ा और मेच्योर प्लांट है। हालांकि डायरेक्ट सनलाइट में रखा था, ये ग्रीन नेट के नीचे नहीं था, और इसलिए इसकी पत्तियां हल्की सी आप देख रहे होगे येलो कलर की हो रही हैं।
ये दो हमारे न्यू पॉट हैं, इनमें हम दो बड़े प्लांट्स को लगाएंगे और जो दो छोटे पौधे थे उनको प्लास्टिक के गमले में लगाएंगे। तो ये थी हमारी फ्रेंड्स कुछ प्लांट शॉपिंग। उम्मीद करते हैं ये प्लांट शॉपिंग आपको हमारी पसंद आई होगी। पसंद आती है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।